सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, सॉरी प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके लगा दबा दो सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक कर दो। और सामने से चचा आ रहे हैं। ओ चचा, गुड मॉर्निंग चचा, गुड मॉर्निंग। ठंड हो गई है तो अभी टेम्परेचर जो वो 2 डिग्री के आसपास है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हेयर कटिंग कराने। तो मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ कि हेयर कटिंग की कॉस्ट कितनी होती है और बाल बढ़ गए, काफ़ी बड़े हो गए। तो मैंने सोचा चलो हेयर कटिंग करा लेता हूँ और आपको उसकी कॉस्ट बता दूँगा कितनी कॉस्ट है। अरे यार, मेरी बस निकल गई है, मैं 2 मिनट देखता हूँ बस मेरी है। मुझे लगा मेरी बस निकल गई है, मतलब इतनी बसें साथ ही रहती हैं। यार मैं बंद कर लेता हूँ, ठंड बहुत लग रही है। ठंडी ठंडी ओ ठंडी 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 ओ ठंडी ठंडी। और सब बढ़िया चल रहा है? आई होप बढ़िया चल रहा होगा। तो मैं आपको वो ग्रीडी लैंडलॉर्ड के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपने उसका देखना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे अपलोड किया हुआ है, अदरवाइज मैं आपको दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, इट्स टू कोल्ड हियर। और हमने पहनी है, क्या पहनी है, व्हाट इज दिस। मुझे शूज़ पहन के आने चाहिए थे। 1.2 किलोमीटर दूर है प्रिंस, कोई है बार्बर तो उसके उधर जा रहा हूँ। वैसे एवरेज कॉस्ट जो होती है हेयर कटिंग की वो $35-40 हो जाती है। हेयर कटिंग कराऊँ, फिर मेरा टिफ़िन आएगा, फिर मैं खाना खाऊँगा, अभी तो नहाऊँगा जाके, है ना। तो देखो क्या बनता है। पैर तो मेरे ठंडे हो गए, मतलब अभी 0 डिग्री लग रहा है मुझे तो, टेम्परेचर जैसे हालात लग रहे हैं। ओ चचा, 8 सेकेंड रह गए हैं, पार कर लें। 4 3 2 1, चलो हम खड़े हो जाते हैं। हाय, ठंड बहुत हो गई है, मैं इसे बंद कर लेता हूँ, पहले जिपर बंद कर लेता हूँ। मैंने तो इधर जाना था भैया, हम इधर आ रहे हैं। ये 54 नंबर बस पकड़ी, देखो गाड़ी खड़ी हो जाती है, पेडेस्ट्रियन की इज्जत है। इंडिया में तो भैया चढ़ा ही दे, अंधा है क्या, आ क्यों गया, वाई, कैसे, क्यों, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम अभी वेट कर रहे हैं 54 नंबर बस का, फिर 54 नंबर बस पकड़ के आराम से हम हेयर कट कराएंगे। तो भैया हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो हमने लिफ्ट कराई है और हमें राइड फ्री मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप टोरंटो एरिया में हो तब आपको $50 मिल जाएंगे, अगर कोई आपके रेफरल से डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 करो डाउनलोड और टाइम बचाओ, बस तो 10-15 मिनट लेट आने ही वाली है। चलो चलते हैं, लिफ्ट करा के जाऊंगा मैं अभी। तो मैंने कहा चलो फ्री में हो रही है तो पहले घर पे ना मोबाइल चार्ज लगा दे, ताकि वीडियो रिकॉर्ड भी करनी है। तो नज़ारे देखो आप, नज़ारे कनाडा के नज़ारे देखो तब तक, ठीक है, देख ही जाओ। क्या नज़ारे दिखाऊं आपको, ऐसे ही है, काम से घर, घर से काम, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस यही है। ओह, तो अभी मैं घर जाता हूँ, टिफ़िन भी आ गया होगा तो 3-4 रोटी खा लूँगा। ओए पुलिस, पुलिस आ गई, हूटर में जा दे परा। हाँ, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, पता नहीं जब स्नो हो जाएगी ना तब तो भैया हो जाएगा सब कुछ, काम कुम हो जाना स्नो में। तो चलिए, मैंने कहा शूज़ भी पहन के आ जाऊँगा। तो अभी हेयर कट कर, कैसा लग रहा है व्लॉग, लंबा हो गया ना व्लॉग, बस ऐसे ही है मेरे भाई। मैंने कहा थोड़ा खींच देता है व्लॉग को, हैं आप लोग कहते हो थोड़ा और लंबी वीडियो बनाया करो, तो मैंने कहा चलो लंबी वीडियो ही बना देते हैं, लंबी वीडियो बनाएंगे।
ये देखिए आप नज़ारे कनाडा के, ठीक है। अगर आप यहाँ इसके सामने गाड़ी पार्क करोगे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों? टिकट मिल सकती है आपको। इसके सामने कभी गाड़ी नहीं पार्क करनी, ठीक है। और इधर स्टॉप साइन होता है, आप आराम से इधर उधर जा सकते हो, लेकिन हमने उधर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमारा घर इस साइड है। चलो मैं घर चलता हूँ, फिर देखता हूँ टिफ़न टुफ़न आया कि नहीं। 11:30 से 12:30 के बीच में आता है, तो फिर चार्ज पे लगाता हूँ मोबाइल, तो आराम से फिर वेट करता हूँ आधा एक घंटा, फिर निकलता हूँ बाल कटाने। क्या बात है वे जट्टा, क्या बात है, टिफिन आ गया है, खा के देखेंगे। A few moments later. थोड़ी सी नींद आ गई थी उस दिन, तो मैंने कहा चलो अगले दिन चलते हैं। तो मैंने अभी बाल नहीं कटे, मेरी गाड़ी आ रही है और बाल बहुत लंबे हो गए। तो एक यूनिसेक्स सैलून है, वहाँ पे कटाने जाना है। देखो सबका कटेगा, सबका कटेगा राम, यूं ही कटता रहेगा। और कहूँगा कि भैया फेशियल भी कर दो, गोरा गोरा कर दो। तो $2 की राइड पड़ी है, आपको दिखाता हूँ ये वाली साइड पड़ी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं करना कर लेना डाउन। हेलो सर, हाउ आर यू सर? गुड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हेयर कट ये है शायद मेरे हिसाब से। और मम्मा $13 थी, चल देख दे। हाय दे, हाउ आर यू? तो कटिंग तो हो गई, मैंने कहा फेस ये कर दो या दाढ़ी दूढ़ी थोड़ी बना दो। कहते अभी कोविड चल रहा है, मैं क्या मैं कौन सा कुछ कर दूं, कर दो। कहते नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, चलो कटिंग तो हो गई है, अब घर जाता हूँ। तो गैस लिंक ये इसकी कॉस्ट पड़ी मुझे $14.69 टैक्स इंक्लूड करके, वैसे $13 की कटिंग थी। तो यही एवरेज मिनिमम इतनी हो जाती है, मैक्सिमम तो आप चाहे जितनी मर्जी ले जाओ, मतलब $60, $70, $100। मैंने एक बार अपना ये सारा कटवा ये फेस क्लीन भी करवाना है यार। चलो देखता हूँ, तो अभी मैं लिफ्ट कराता हूँ, चलता हूँ। लिफ्ट जो एप्लीकेशन है इतनी ज़्यादा बढ़िया रही ना मेरे लिए टोरंटो एरिया में, क्योंकि क्रेडिट्स मिल जाते हैं अगर आप किसी के रेफरल से इंस्टॉल करते हो, और फ्री राइड होती है, सबसे मेन चीज़ फ्री होती है। तो चलो मैं अभी घर जाता हूँ, क्योंकि मैंने पेंट भी लेनी है। मेरी पेंट की ना जो जेब थी वो फट गई है, सिक्योरिटी की जो ब्लैक कलर की। तो मैं पहले नहा लूँगा घर जाके, फिर करता हूँ। चलो मैं देखता हूँ, बुक कराऊँ पहले।
ओके हैव अ नाइस डे टेक केयर बाय बाय टेक केयर। तो ये जो हमारे लैंडलॉर्ड है, हमारे लैंडलॉर्ड ना पेंटर हैं बहुत बड़े। ये देखो इनकी पेंटिंग्स, आपको पेंटिंग्स दिख जाएंगी। पेंटिंग्स कितनी अच्छी बनाई इन्होंने है यहाँ पे। हे हाउ आर यू? ओ या नो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, आई वाज जस्ट शोइंग माय ऑडियंस योर पेंटिंग्स। ओह थैंक यू वेरी मच। या जस्ट से हाय टू योर ऑडियंस, माय ऑडियंस। हेलो हेलो गाइस, सॉरी आई एम वेरी बिजी। या I know, my landlord is so busy. Yeah, I know, yeah, yeah. Selling by stocks, yeah, I know, yeah. Okay, take care. So, ये इनके, इन्होंने ना मतलब पूरी सबकी इन्होंने बनाई हुई है, बहुत अच्छे पेंटर हैं। तो मैंने बोला था प्रियांशु व्लॉग्स की कब बनाओगे, वो कहते हैं हाँ टाइम मिलेगा, बहुत ही बिजी रहते हैं ना, ये स्टॉक का काम करते हैं, स्टॉक सेल करना, स्टॉक खरीदना, तो मेरे वाली कैटेगरी में ही है। बट मैं ये डे ट्रेडिंग करते हैं, मैं लॉन्ग ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा टिफ़न नहीं आया यार अभी, आ गया। और मैंने कल ना मैंने स्टोरी डाल दी थी इनकी, जो कोको टिफिन था, तो ये खुश हो गए, कहते अच्छा प्रियांशु ब्लॉग्स हुआ, तो कहते कोई बात नहीं, मैं हम आपके लिए ना कोई रिवॉर्ड देंगे, पता नहीं क्या रिवॉर्ड देंगे, आज देखते कौन सी सब्जी है ये। तो यार आपको लंबे व्लॉग अच्छे लगते हैं कमेंट में जरूर बताना, लंबे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो जरूर। ये टाइम भी बहुत टाइम पर भी आते हैं लोग, देखते हैं आज कौन कौन सी सब्जी है। खानी आपने खानी? चलो देख तो खोल के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा ये पीयूष का है, चलो खोल के दिखाता हूँ गाइस। आज आया है ये साबुदाना है, ठीक है, फोकस नहीं हो रहा है। और ये पालक पनीर की सब्जी है, और ये कोई है सब्जी, और रोटी की क्वालिटी दिखाता हूँ गाइस आपको। आप मानोगे नहीं, इन लोगों की ना खाने की क्वालिटी में ना बहुत दम है। मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ये देखो घी भी लगा हुआ है, यम्मी यम्मी है। तो आज का व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि प्रियांशु ने पहली बार इतना लंबा व्लॉग बनाया। पता नहीं 20 मिनट का होगा या उसके अंडर होगा, लेकिन अगर आपको लंबा व्लॉग चाहिए, लेंथी, तो ज़रूर YouTube चैनल का सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना भाई कैसे लगी वीडियो, बढ़िया लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, एडवेंचरस लगी, कैसे लगी, ठीक है। और मेरे रेफरल से ज़रूर डाउनलोड कर लेना, $50 मिल जाएगा और घूमना गाड़ी में, ठीक है। ओके बाय।